मैं परेशान हूँ, सरमाया राहत दे दे। अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत दे दे। ये जो शख्स है, क्या है आज आपकी शादी? शादी है मेरी आरज़ू है मौला, दुनिया के ताने सह कर मौला तेरे दर पे आ गया हूँ। दुनिया के ताने सह कर तेरे दर पे आ गया हूँ। अपना बना ले हमको। अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर्स, इसकी शादी नहीं, इसका ख़त्म हुआ है। यानी कुरान पाक पढ़ना मेरे बच्चे ने, ये मेरा बेटा है, इसने सीख लिया है। और जब भी मुसलमानों का बच्चा, ये स्पेशली मैं गैर मुस्लिम के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि गैर मुस्लिम भी मेरा व्लॉग देखते हैं और कमेंट्स करते हैं, तो जब भी हम मुसलमानों का बच्चा कुरान शरीफ पढ़ना सीख लेता है, क्योंकि कुरान शरीफ अरबी ज़ुबान में है, तो फिर पहले मस्जिद में एक तकरीब होती है, और उसके बाद अगर घर वाले चाहें तो वो एक दावत भी मुनक्कित करते हैं। तो सबसे पहले इस बाबरकत तकरीब की तरफ चलते हैं। और कुरान शरीफ पढ़ना ये हमारे लिए एज ए मुस्लिम, मुसलमानों के लिए फ़ख्र की बात है कि उनके बच्चे कुरान शरीफ पढ़ना सीख जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना ज़रूरी समझूंगा कि कुरान शरीफ सबसे पहले तो बच्चे को पढ़ना सीखना चाहिए, उसके बाद इसको आपने, यानी हम लोगों ने बातरजुमा हमें पढ़ना है, क्योंकि तकरीबन 70-80% कुरान अगर हम सिर्फ तर्जुमे के साथ भी पढ़ें तो हमें समझ आ जाएगी कि कुरान शरीफ अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या अहकाम नाजिल फरमाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल इस टॉपिक पर किसी और टाइम बात करेंगे। तो सबसे पहले मस्जिद में इस तकरीब का इनाकाद किया गया, पहले मस्जिद चलते हैं, और उसके बाद जब हम लोगों ने एक दावत का अहतमाम किया तो वो दावत भी आप लोगों को दिखाएंगे। मेरे दिल की है तमन्ना, मौला तेरा दर हो मेरा से हो। मेरे दिल की है तमन्ना, तेरा दर हो मेरा से हो। इधर मुल्तज़म पे जाकर, इधर मुल्तज़म पे जाकर, दुनिया से हूँ रवा। Yeah.
मस्जिद की इस बाबरकत तकरीब के बाद नेक्स्ट डे हमारा दावत का प्रोग्राम था और हमने करीबन 400 लोगों को दावत दी थी। तो ये तकरीब भी मैं चाहूँगा कि आप लोग देखें। रब्बी कौन है ना मेरे दिल की दुआएं सुन ली, मैं हूँ बेचैन मेरे दिल की सदाएं सुन ली। रब्बी कौन है ना मेरे दिल की दुआएं सुन ली। चेहरे पे मोर
जी तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अपना और दूसरों का ख़ास ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।